नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पेपर्स भी बहुत अच्छा गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन्स पे देख पा रहे हैं, SBI PO PRE जो एग्ज़ाम्स हुआ है, अभी जो शिफ्ट हुआ है, उसका अपन एक एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वह क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। अगर आपने एग्जाम्स दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अटेम्प्टेड विथ कितने परसेंट आपकी एक्यूरेसी है और कौन सा आपका स्टेट है और कौन सी कैटेगरी है, जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो, किसी टाइप का क्वेश्चन याद हो, चाहे वह मैथ्स में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी पर्टिकुलर रीजनिंग्स में हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, ताकि जिनका एग्जाम्स होना है उनकी एक तरह से हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके। ओके, अब बात करते हैं अपन आज की पर्टिकुलर जो एग्जाम्स हुआ है उनके बारे में। देखिए पेपर्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने डराने के लिए नहीं लिखा है कि पेपर लेंथी आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के माध्यम से ही पता चला है कि पेपर थोड़ा सा लेंथी है। कैलकुलेटिव मैथ की बात करें थोड़ा कैलकुलेटिव है, रीजनिंग है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड इंग्लिश में आपकी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट अपन एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपका कोई सजेशंस, कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस आपका पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके किस टाइप से पेपर्स पूछे जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करते हैं, टोटल्स आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीओ में। देखिए जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के 7 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, टोटल्स करीबन करीबन आपकी 7th क्वेश्चंस थे, जिसमें आपकी एक क्वेश्चंस आई थिंक वोकैब बेस पर क्वेश्चंस पूछा गया था, 1 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के माध्यम से बताया गया था, राइट। एंड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव था, टेक्नोलॉजी एंड जॉब, राइट। जिस किसी स्टूडेंट्स ने कल मेरे लास्ट मिनट का टिप्स वाला वीडियो देखा था, राइट, अगर नहीं देखा है तो पहले माय डियर स्टूडेंट्स उस वीडियो को एक बार देखिएगा। मैंने वहाँ पर शेयर किया था आपके साथ कि आपको इस जो करंट सिचुएशंस है, टेक्नोलॉजी पर बेस पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हैं, MSP पर दे सकते हैं आप, राइट, आप खुद देख सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस पर क्वेश्चंस पूछा गया है, राइट, पूछा गया था टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है वह हमारे जॉब है, वह हमारे एम्प्लॉय है, किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है, इसी बेसिस पे पूरा का पूरा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पूछा गया था। 7 क्वेश्चन से एक जो वोकैब बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ओके, अगर लगता है आपने एग्जाम्स दिया है, राइट, कि मैं बिल्कुल सही हूँ कि सर ऐसे ही पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है आपका रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट, रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, पैराजम्बल्स अपन कह सकते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दैट इज द वर्ल्ड रीअरेंजमेंट, राइट, वर्ल्ड को रीअरेंज करना, जैसे एक सेंटेंस दे रखा होगा इसमें कुछ हाइलाइट्स वर्ड्स, जिसका एक ऑप्शन ई है, बी है, सी है, डी है या ई है, राइट, इस टाइप से हाइलाइट्स देके आपको अरेंज करना पड़ेगा, राइट, ये आपका हो गया वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन। एरर सपोर्टिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रामर बेस पर क्वेश्चन था, ईजी था, ईजी टू मॉडरेट अपन कह सकते हैं एरर सपोर्टिंग। ईडियम्स बेस्ड पूछी गई थी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेरे को ईडियम्स के मिले हैं, वह भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके,
फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, यानी कि 2 सेंटेंस देके एक ऑप्शंस में आपको इनमें एक ही वर्ड्स लगाया जाएगा। इट मीन्स मैं आपको बता दूं पैटर्न क्या है, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स में एक और दो, ये 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे, राइट, इस टाइप से सेंटेंस दे रखे होंगे, यहाँ पर एक चीज मिस कर देंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, और ऑप्शंस में देंगे ए बी सी डी ई, राइट, इन 5 ऑप्शंस में से एक ही वर्ड से जो इन दोनों सेंटेंस में लगेगा, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे 5 करीबन करीबन। ओके, तो ये तो था आपका इंग्लिश का ओवरव्यू, किस टाइप से इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट, कुछ चेंजेस हैं बट कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो प्लीज इनका एग्जाम्स होना है वो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, राइट, जो हल्के में ले रहे हैं प्लीज हल्के में मत लीजिएगा, ये एसपीआई है, याद रखिएगा एसपीआई हमेशा कुछ ना कुछ न्यू करता है, क्वेश्चंस अच्छे डालता है, याद रखिएगा। ओके, अब कुछ मेरे को मिले हैं, दैट इज द, देखिए एक जो वॉकअप बेस पर मिला था फिटर, राइट, फिटर के बेसिस पे एक सिनोनिम्स पूछा गया था, यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है उसमें एक वर्ड्स को हाईलाइट करके उसका सिनोनिम्स पूछा गया था, याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है, अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में राइट लिखिएगा। और एक एडियम्स पूछ, 2 एडियम्स मिली थी, पर्टिकुलर 3 मिली थी बट स्टूडेंट्स को 2 ही याद थी, कि सर एक तो बाइट द बुलेट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार आती है, बिल्कुल इजी है, और आई टू आई, बिल्कुल इजी एडियम्स पूछी गई थी, जो रेगुलर बेसिस पे एवरीडे न्यूज पेपर्स देखता हो, राइट, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी थे, राइट, बाइट द बुलेट, आई टू आई, ये एडियम्स आपकी पूछी गई थी इंग्लिश में। तो ये टोटल्स इंग्लिश का ओवरव्यू था, लगभग स्टूडेंट्स की अगर पता करें तो स्टूडेंट्स ने लगभग आपकी 20 अटेम्प्ट डेफिनेटली किए, राइट, 18 to 20 अपन कह सकते हैं, इतने दैट इज द गुड अटेम्प्ट है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको क्वांट कहते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेशंस के 6 क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ पैटर्न चेंज कर रहा है एसपीआई, करीबन करीबन 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस, बट यहाँ पर 6 6 क्वेश्चंस का सेट बनाया गया है, राइट, अप्रोक्सीमेशंस के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बोर्ड मास रूल्स फॉलो करना था, मैंने करवाए हैं क्वेश्चंस, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, अगर आपका एग्जाम्स अभी तक नहीं हुआ है तो, राइट, एंड डी आई 2 आपकी 2 सेट पूछे गई थी, प्रत्येक डी आई में 6 क्वेश्चंस थे एक सेट में, टोटल्स आपके 12 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक मिसिंग टेबल्स था और एक पाई चार्ट का डी आई था। ओके, पाई चार्ट प्लस टेबल्स का, राइट, यानी कि डी आई भी बहुत अच्छा डी आई था, ऐसे वैसे हलवा टाइप डी आई बिल्कुल नहीं पूछा गया था। ओके, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 6 क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा जो बिग नंबर होते हैं ना उनको आपको जोड़े बनाकर करना था, यानी कि आपका पूरी तरीके से टाइम कंज्यूम करना था एग्जामिनर को, सीधी सी बात यही है, यानी कि आपको अच्छी कैलकुलेशंस आती हैं, अच्छे नंबर्स के जोड़े बनाने आते हो आपको, राइट, तो आपके लिए इक्वेशंस के क्वेश्चंस इजी थे, राइट, यानी कि बिग नंबर दे रखे थे, बिग नंबर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्स फर्स्ट शिफ्ट का है, आप खुद देख सकते हैं किस लेवल के एग्जाम्स बनाया गया है, तो अपकमिंग जो भी शिफ्ट होंगे उनमें लेवल आपका बढ़ता ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे अर्थमेटिक के, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक था, मेंचुरेशंस आपका टॉपिक था, टाइम एंड वर्क आपका टॉपिक था, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका टॉपिक था, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंचुरेशंस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, आपकी बोट एंड स्ट्रीम, राइट, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले थे, राइट, तो ये पर्टिकुलर आपकी मैथ में यानी कि क्वांट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा कोई चीज़ अगर मिस कर रहा हूँ, राइट, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं की है और आपने एग्जाम्स दिए सर ये मेरे को ये भी चीज़ देखने को मिली थी, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई भी दे दूंगा ताकि स्टूडेंट्स को एक पता भी चल सके। ओके,
क्लियर। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये ओवरव्यू है। टोटल्स 35 क्वेश्चंस इसमें पूछता है, राइट। स्टूडेंट्स ने इसमें 22 से 25 अटेम्प्ट किए, स्टूडेंट्स ने किए हैं, दैट इज द गुड अटेम्प्ट अपन कह सकते हैं। ओके, डीआई है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव डीआई पूछे गए थे। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है, स्पीड है, तो आप इस यह डीआई आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट्स ने अर्थमेटिक, कुछ स्टूडेंट्स सोच कर जाते हैं कि मैं अप्रोक्सीमेशंस कर लूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लूँगा और डीआई कर लूँगा, इसी में ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं कट ऑफ भी क्लियर हुई कर लूँगा। यहाँ पर पेपर्स के लेवल से पता लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी अगर आपने अर्थमेटिक को फॉलो नहीं किया है तो, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए अप्रोक्सीमेशंस बोर्ड मास रूल फॉलो करना था, डीआई 6-6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ज़्यादा एक लेंथी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, आपको टाइम वहाँ पर लगाना पड़ सकता, राइट। जहाँ पर बड़े नंबर दे रखे हो ना, उनको डिवाइड करना, उनको जोड़े बनाना, विभाजित करना थोड़ा सा टफ है, राइट। अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो मेरा यही कहना है, जिनका एग्ज़ाम्स अभी तक होना है, प्लीज़ अर्थमेटिक को ज़्यादा फोकस कीजिए, ये आपके मार्क्स भी गेन करवा सकता है। ओके, राइट। अब चलते हैं अपन रीजनिंग्स। यहाँ पर मेरे को कोई क्वेश्चंस अभी तक नहीं मिला है, बट आपने एग्ज़ाम्स दिया हो, आपको कोई क्वेश्चंस याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस याद नहीं था। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग्स की बात कर लेते हैं। टोटल्स 23 क्वेश्चंस आपकी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में, राइट। जिनकी इनमें अच्छी कमांड है उनके लिए ये क्वेश्चन सारे का सारा आपके नंबर्स भी यहाँ पर गेन कर लोगे। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन नंबर्स की एक पजल्स पूछी गई थी, जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि 28 मेंबर्स से, यानी कि 28 पर्सन से वह आपकी अरेंज हो रहे थे। आई थिंक आपके कुछ और हो रहा होगा, अगर 28 हो रहे होंगे तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। और नॉर्थ फेसिंग पूछा गया था, एक लीनियर बेस पर थी, राइट, इस टाइप से अनसर्टेन नंबर थी। और टोटल्स आपके 3 क्वेश्चंस में पूछे गए थे, ओनली 4, 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। 28 मेंबर्स को आपको अरेंज करना था, खुद देख सकते हैं कितना लेंथी है। ओके, टेबुलेशंस पूछा गया था, एक आपके 9 पीपल्स 9 पीपल्स को अरेंज करना था और 3 डिपार्टमेंट दे रखे हुए थे, 3 विभागों में आपकी 9 पीपल्स को, यानी कि एक विभाग में आपके 3 पर्संस काम करते हैं, इस टाइप से आप अरेंज करना था, राइट। एंड देन आपके मंथ बेस पर क्वेश्चंस थे, जो कि फेमस क्वेश्चंस हैं, 3 महीने दे रखे थे और 2 डेट्स, राइट। 3 महीने आप जुलाई अगस्त सितंबर मान लीजिए, 2 डेट्स आपकी 15 और 21 मान लीजिए, 6 और 21 मान लीजिए, इस टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं वह मंथ बेस पर पूछा गया था। एक आपका फ्लैट एंड फ्लावर बेस पर क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट। एक आपका स्क्वायर अरेंजमेंट पूछा गया था, 8 पीपल्स को आपको अरेंज करना था, राइट। ये जब दिख रहा है, राइट, 8 पीपल्स आपके, 8 पीपल्स ये रहे, राइट। कॉर्नर वाले नॉर्थ फेसिंग्स, अदर्स आपके साउथ फेसिंग, राइट। इस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछा गया था। टोटल्स आपकी 5 पजल्स होगी, जिसमें से 1 3 नंबर की है, टोटल 4 आपकी 5 नंबर की है, 4 × 5 प्लस का आपका 3 होगा, तो आपके टोटल्स नंबर हो गए 23 और क्वेश्चंस भी 23। ओके, ये तो हुई पजल्स की बात। पजल्स अगर आपकी अच्छी कमांड है तो ये आपके लिए पेपर्स बहुत ही इजी रहा होगा। ब्लड रिलेशंस के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, इजी जितने ज़्यादा नहीं थे, राइट। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस थे, सिलॉक्स में अगर बात करें, कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सिलॉक्स में बात करें तो आपकी केवल अ फ्यू वाले, ये एक टॉपिक पूछा गया था फ्यू वाले, ओनली बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओनली बेस पर केवल, राइट राइट। स्टूडेंट्स ने बताया मेरे को कि एक फ्यू पर था, एक आपके ओनली बेस पर था, सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
मिसलेनियस के दो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें एक एग्रीगेशन शब्द दे रखा था, एक आपके हैंडीक्राफ्ट दे रखा था, राइट। मिसलेनियस में तीन क्वेश्चंस थे, एक आपके एग्रीगेशन बेस पर क्वेश्चंस था, एक आपके हैंडीक्राफ्ट बेस पर शब्द दे रखे थे, यानी कि इसको आपको अरेंज करना था आगे से जो आपके बैक साइड आगे से पीछे से प्लस माइनस करना, राइट। एंड एक आपका वोवल्स और कॉन्सोनेंट बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट आपका ऑर्डर रैंकिंग पे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल इजी थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, ऑर्डर रैंकिंग में डूएबल थे, इजीली आप कर सकते थे, ओके। रीजनिंग्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, पजल्स बहुत ज़्यादा थी, तो स्टूडेंट्स करीबन करीबन 25 से 28 अटेम्प्ट करके आया है। अगर आपने भी इतने अटेम्प्ट किए हैं तो आपका अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट है, ये आपके लिए अच्छा अटेम्प्ट है, याद रखिएगा, ओके। दैट इज द गुड अटेम्प्ट, ओके। रीजनिंग्स क्लियर हुआ, तो ये तो थे आपके इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग्स, तीनों सब्जेक्ट के एक कंप्लीट एनालिसिस, इतना अच्छा एनालिसिस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जब एग्जाम्स होना है उनमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। वो अगर हुआ है, इस टाइप से आपको देखने को मिले थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि यस सर ऐसे ही देखने को मिले थे, ओके। कोई क्वेश्चन याद हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, सर ये भी क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर जरूर करना है ताकि स्टूडेंट्स की एक हेल्प हो सके, पता चल सके किस टाइप से एग्जाम्स पूछा जा रहा है। सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है, आप खुद देख सकते हैं, वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में भी आया होगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक अभी जिनका एग्जाम्स अभी तक होना है, ओके। अच्छे से जाइएगा, जो आता है उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स का लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ओके। बट आपको ओनली फॉर फोकस आपकी एक्यूरेसी पर करना है, ओके। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा होगा अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो, ओके।